गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ऑफिशियल नोवेल में कुल मिला के 50-60 न्यू डिटेल्स हैं, जिसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे सुनने के बाद तुम कहोगे अच्छा ऐसा क्या। जैसे कि सुको ने हॉलोअर्थ में वापस आने के बाद क्या किया, गॉडजिला ने अचानक से स्काइला पे अटैक क्यों किया, टियामात एंड गॉडजिला के फाइट की कुछ अननोन फैक्ट्स, ये सारी चीजें एंड उसी के साथ कुछ कॉमन या उतने इम्पोर्टेंट नहीं ऐसे फैक्ट भी हैं जिसे तुम इग्नोर कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन इवेंट्स को मूवीज में क्यों नहीं दिखाया गया, नोवेल में बताने की क्या जरूरत थी, इन्हें मूवी में डालना चाहिए था, यही ना। तो पहले मूवीज एंड बुक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लो। मूवीज होती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 2-3 घंटा मैक्स टू मैक्स, जहां पर बुक्स 100 पेजेस से लेकर 1000 पेजेस तक हो सकती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जहां मूवी में कहानी को उसी टाइम पीरियड के अंदर निपटाना पड़ता है, जिसमें शॉर्ट टाइम के वजह से कभी कभी छोटे मोटे सीन्स को या बैक स्टोरीज को कट कर दिया जाता है। लेकिन नोवेल या बुक्स में क्या होता है, राइटर को बहुत टाइम मिलता है, वो मल्टीपल कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, उनके डेप्थ एंड मल्टीपल डायमेंशन को दिखा सकते हैं, कैरेक्टर के इमोशन एंड थॉट्स को डिटेल में प्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें एक्स्ट्रा चीजों को डाल सकते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, ऑलमोस्ट उस मूवी के फुल वर्जन को वहां पर लिखा जाता है। अब इन न्यू डिटेल्स में से 10 इंपॉर्टेंट डिटेल को मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में देख सकते हो, जहां आज इसके बाकी डिटेल्स को लेकर बात करेंगे। अब मूवी के अंदर जो इंसानी कैरेक्टर हमें देखने मिले, उनमें से ट्रैपर नाम का जो बंदा था वो मुझे ज्यादा पसंद आया। उसकी जो समझ थी, उसकी बातें काफी मैच्योर्ड किस्म की थी। जहां उसकी एक बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी, जब माइकल को हॉलो अर्थ में एक पेड़ जिंदा निगल जाती है, तब उसे देखकर हर कोई डर जाता है, लेकिन बर्नी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। तब ट्रैपर उसे समझाता है कि यही तो प्रकृति का नियम है, इसमें ही तो हमें जीना है। असल में हम इंसानों को लगता है कि हम जानवरों से बढ़कर हैं, पर शायद ये टाइटेंस हमें हमारी औकात दिखाने आए हैं। भाई ये बात बहुत ही डीप मीनिंग रखती है, लेकिन इस सीन में तुमने भी शायद नोटिस किया होगा कि माइकल को छोड़ के बाकी किसी के पास कोई हथियार नहीं थे, जबकि ऐसे अननोन प्लेसेस में अपने सेफ्टी के लिए उन्हें रखना चाहिए था। इसी चीज को जस्टिफाई करते हुए नोवेल में इसकी बैक स्टोरी बताई गई कि कहानी में माइकल यानी उस हीव क्राफ्ट के पायलट ने उन्हें उतरने से पहले गन ऑफर किया था, जहां आइलिन ने अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस के लिए कोई गन नहीं उठाया, वहीं पर ट्रैपर ने ये कह के मना किया कि एक हथियार यहां पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, हमें इतना ज्यादा आत्मविश्वासी बना देगा कि हम टाइम से पहले ही मर जाएंगे। जिसे सुनने के बाद माइकल तो खुश नहीं हुआ, बट बर्नी को प्राउड फील हो रहा था। अब कुछ लोग मुझे कमेंट में ये पूछ रहे थे कि स्कार्किंग अगर इतना ब्रूटल, इतना क्रूर था, वो अपने ही प्रजाओं पर इतना टॉर्चर करता था, तो फिर ये सारे बंदर मिलके क्यों नहीं उसे हरा पाए, अगर सब कोई एकजुट हो जाते तो कुछ ना कुछ प्लान बना के स्कार्किंग को हराया जा सकता था। अब इसका जो पहला आंसर होगा वो है कि स्कार्किंग के पास सीमो था। अगर किसी थ्रेड से स्कार्किंग खुद नहीं लड़ सकता तो वहां पर उस सीमो को यूज करता है। एंड दूसरी जो रीजन बुक में बताई गई वो ये है कि स्कार्किंग अपने दिमाग से बाजी मार चुका था, उसके ग्रुप में जो जो शक्तिशाली बंदर थे उन्हें उसने ये बोल के अपने पास रखा था कि अगर सरफेस वर्ल्ड को हम लोग जीतते हैं तो सब कोई मिलके वहां पर राज करेंगे, मतलब तुम्हें भी एक हिस्सा मिलेगा रूल करने के लिए। तो लालच में आके ये सारे बंदर स्कार्किंग के साथ मिल गए, जिससे बाकी एप्स के पास कोई चारा नहीं बचा एंड वो लोग उससे और डरने लगे। अब स्कार्किंग एंड कॉन्ग के बीच जो पहली फाइट हुई थी, उसका रीजन तुम बता सकते हो कि किस लिए ये फाइट शुरू हुई थी? यहाँ पर लगभग सभी बोलेंगे कि स्कार्किंग ने जब सुको के फादर को मार दिया, तब कॉन्ग ये देखकर भड़क गया एंड उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। मतलब सुको के फादर का मौत इस फाइट का रीजन था, मूवी देखकर तो यही लगा था। लेकिन नोवेल में इस फाइट का एक और रीजन पता चला कि स्कार्किंग को कॉन्ग का हथियार चाहिए था, उसे उस बैटल एक्स को हथियाना था, जिसलिए उन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई। अब इस सीन में जब आइलिन एंड्रूस एंड उनके टीम को ईवी वाले पकड़ के अपने साथ मलिंका सिटी ले जाते हैं, तब सबसे ज्यादा डर बर्नी को इस बात से लगा था कि ये लोग कहीं उनकी बलि न चढ़ा दे, जबकि बर्नी का ऐसा सोचना लॉजिकल भी था, क्योंकि 2005 में आई हुई किंग कॉन्ग मूवी को देखने के बाद लोगों का जो नजरिया बन चुका था स्कल आइलैंड को लेकर, उसी के आधार पे बर्नी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग बाहरी लोगों को पकड़ के उनकी बलि चढ़ाते हैं, ये उनके किसी रिचुअल का पार्ट होगा, इसीलिए ही वो इतना ज्यादा डरा हुआ था। अब मूवी के फाइनल फाइट के बाद ट्रैपर के साथ बातचीत के दौरान आइलिन एक रूमर को कंफर्म करती है कि उसे मोनार्क में डायरेक्टर पोस्ट के लिए चुना गया था, लेकिन आइलिन ने उस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उसे फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करना था, जिससे वो ऑलवेज कॉन्ग एंड जिया के पास रह सके। अब इस बात को हम मान के चल सकते हैं कि मॉन्स्टरवर्स में जो हॉलोअर्थ के अंदर मलिंगा
सिटी दिखाई गई, उसकी वो पिरामिड स्ट्रक्चर एंड उससे जुड़ी कुछ मैजिकल पावर के वजह से वहाँ के लोगों के पास सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल एबिलिटीज आई थी, जैसे कि टेलीपैथी, स्ट्रेंथ, टाइटेंस के साथ कम्युनिकेट करने की पावर, ये सब। लेकिन रियल वर्ल्ड में, मतलब हमारे वर्ल्ड में जो पिरामिड स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम मॉन्स्टरवर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हॉलोअर्थ के पिरामिड के साथ इन सरफेस वर्ल्ड के पिरामिड का कोई कनेक्शन बनता है क्या? मे बी होगा, इसका आंसर हमें फ्यूचर मूवीज में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए बर्नी का जो कैरेक्टर है उसके थियोरी के अकॉर्डिंग ये सरफेस वर्ल्ड वाले पिरामिड हॉलोअर्थ से इंस्पायर्ड है। अब अगर गॉडजिला की बात करें तो वो हर बार क्यों एक ही जगह पर आके रेस्ट कर रहा था? कोई रेडिएशन का फुवारा तो नहीं था वहाँ पर? फिर वही पर बार बार क्यों? क्या खूबी है उस जगह की? तो इसका आंसर है, ये आर्किटेक्चर गॉडजिला को उसके खोए हुए घर की याद दिलाती है जो कि कभी हॉलोअर्थ में बसा था, एंड इस बात को नोवेल में लिखा गया है। सो ये कोलिजियम उसके लिए उसके घर जैसा था। लेकिन इसका एक दूसरा रीजन भी हो सकता है जो मुझे लगा था कि अचानक होने वाले हमले से ये दीवारें गॉडजिला को पहली बार के लिए बचा लेगी। सो ऑन सेफ्टी पर्पस ये जगह उसके नैप के लिए ठीक था। जिसके बाद स्कार्किंग को लेकर एक चीज पता चली कि वो अपने आर्मी के साथ जिस गुफा में कैद था उस जगह का नाम था लिविंग केव्स। लेकिन यहाँ पर जब गॉडजिला टियामात की गुफा के अंदर जाता है उसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसी दौरान गॉडजिला टियामात के डीएनए को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मे बी गॉडजिला के कलर चेंज होने का ये एक रीजन हो सकता है। अब सबसे आखिर में जब फाइनल फाइट के बाद सुको कॉन्ग के साथ मिलके जिया से मिलने आती है, तब जिया सुको को कुछ अमेरिकन साइन लैंग्वेज भी सिखाती है, जिसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट मूवी में देखने जरूर मिलेगा। अब यही वो डिटेल्स थे जिसे नोवेल में अलग से बताया गया था। इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी फैक्ट्स बताए गए वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, जिसलिए मैंने उन्हें इसमें ऐड नहीं किया। बाकी तुम्हें अगर कुछ अलग डिटेल पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 20 लाइक का, जितना हो सके लाइक कर दो, बस 20 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठाड़ा।